हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का ट्राइकस्पिड एट्रीसिया होगा, जिसके अंतर्गत हम साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, उसके डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को हम आज समझेंगे। तो जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइकस्पिड एट्रीसिया क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का साइनोटिक टाइप होता है। ठीक है, साइनोटिक टाइप होता है। साइनोटिक का मतलब क्या होता है? जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और दूसरी कंडीशन याद रखना है आपको, जब ब्लड का फ्लो कैसा हो, धीमी गति से हो रहा हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइनोटिक कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको जो हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन द हार्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व डज नॉट डेवलप। ठीक है, ट्राइकस्पिड एट्रीसिया में क्या होता है? यहाँ पे जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, याद रखिएगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये जो वॉल्व होता है इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एबसेंट ही होता है। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो राइट एट्रियम में जो भी ब्लड कलेक्ट होता है वो राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइकस्पिड एट्रीसिया में जो है, याद रखना, निम्नलिखित कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला क्या हमारा कंडीशन? हाइपोप्लास्टिक। याद रखना, कहीं भी अगर वर्ड हाइपोप्लास्टिक ले जाता है, इसका मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, यानी कि वो पूर्ण रूप से जो है इसका विकास नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे किसका विकास नहीं हो पाया, याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल। आप फिगर में भी देख रहे हैं, जो राइट वेंट्रिकल है हमारा, ये उसका पूर्ण रूप से जो है विकास नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोप्लास्टिक कहेंगे। नेक्स्ट हमारी कंडीशन होती है एट्रिसल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इसको मैंने बता भी चुका हूँ, मैं जो मैंने वीडियो बताया था आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, जब मैंने डिस्क्रिप्शन किया था वहाँ पे, ठीक है, उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं क्लिक करके। तो एट्रिसल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो एट्रियम की जो वॉल होती है, दोनों जो एट्रियम है आपके, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टल होता है, ठीक है, जो दीवार होती है उसमें क्या होता है? एक होल होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ब्लड हो जाता है वो प्योर और इम्प्योर दोनों ही ब्लड कैसे हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ राइट एट्रियम में जो भी ब्लड होगा वो कैसा होगा? आपका इम्प्योर ब्लड होगा। देखिए ना, ये ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है वो कैसा है? इम्प्योर ब्लड को शो कर रहा है। और इधर जो आपका लेफ्ट एट्रियम में आपका प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एट्रिसल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, वेंट्रिकल के मतलब वेंट्रिकल, सेप्टल से मतलब उसकी दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा होता है वो, ठीक है, और डिफेक्ट यानी कि उस सेप्टा में कोई डिफेक्ट आना है। ठीक है, तो हम क्या डिफेक्ट लाएंगे? हम बीच में जो एक होल कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे? बीच में होल कर देंगे, तब ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो आपका प्योर और इम्प्योर जो ब्लड होता है दोनों ही जो है मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है, जो आपके वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी जो वॉल्व होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? स्टोनिस हो जाते हैं, यानी कि नैरोइंग हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है ब्लड प्रॉपर तरीके से वो नहीं वहाँ पर पहुँच पाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। तो याद रखिएगा, ट्रांसपोजिशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा, अदला बदली। ठीक है, यानी कि एक को दूसरी जगह में और दूसरी को पहली जगह में जो है शिफ्ट करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन कहलाता है। आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ये हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, और ये रेड कलर की क्या है? एओर्टा है। अब हमें क्या करना है? एओर्टा को जो है पल्मोनरी आर्टरी की जगह शिफ्ट करनी है, और पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा की जगह शिफ्ट करनी है। और जब आप ऐसा करोगे तो कंडीशन क्या कहलाती है? ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। चलिए अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के, कि ट्राइकस्पिड एट्रीसिया में क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, पहला क्या है? हैव अ ब्लूइश स्किन। ठीक है, यहाँ पे स्किन जो है वो कैसी होगी आपकी? नीली होगी, तभी इस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं। और ऐसा किस लिए होता है? याद रखिएगा, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है स्किन कैसी हो जाती है हमारी? ब्लूइश हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? ब्रीथ फास्ट, यहाँ जो बच्चा है वो बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देगा।
हैव अ प्रॉब्लम फीडिंग, ठीक है, उसको जो भी वो फीड करेगा उसको उसमें दिक्कत आएगी फीडिंग करने में, ठीक है। गेट टायर्ड क्विकली वेन फीडिंग, और जब वो कोई भी चीज़ फीड करता है तो उस समय क्या होता है, वो जो बच्चा होता है हमारा वो कैसा हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है उस कंडीशन में, याद रखिएगा, है ना। वी लेस एक्टिव देन मोस्ट बेबीज़, और कैसा होता है, जो ज़्यादातर बच्चे जो ऐसे होते हैं वो बहुत ही लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है कैसा, उसका पूर्ण रूप से जो है वृद्धि और विकास नहीं होगा यहाँ पे, पुअर वेट गेन, ठीक है, वजन भी उसका कैसा होगा, कम होगा, वो गेन नहीं कर पाता है अपने वजन को। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण ये जो है बीमारी कॉज भी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये ट्राइसोमी 21 होता है इसको कहते हैं, ठीक है। ट्राइसोमी 21 का मतलब है जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है, ठीक है, चूँकि ये पेयरिंग में होते हैं तो वहाँ पे आप क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइदर पेरेंट हैज़ ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, या तो आपके माँ बाप में जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के जो भी साइन सिम्टम्स या जो बीमारी है अगर, तो वो बीमारी आपके बच्चे में भी होने के चांसेस रह सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि हमारी जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको अगर मतलब जो है वायरल अटैक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है खासतौर से रूबेला, याद रखिएगा रूबेला वायरस, ठीक है, रूबेला वायरस जो होता है ये जर्मन मीजल्स क्रिएट करता है, याद रखिए, ठीक है। तो जो रूबेला वायरस है इसके अटैक से भी जो है आपको ट्राइकस्पिड एट्रिसिया होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द मदर हैज़ पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़, ठीक है, हमारी ऐसी माएँ जो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं या उनको ल्यूपस की कंडीशन होती है, ल्यूपस क्या है, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। द मदर यूजेज अ सर्टेन एंटी एक्ने, ठीक है, कुछ हमारी जो माएँ होती हैं वो पिंपल्स को रोकने के लिए, मुहासों को रोकने के लिए जो है एंटी एक्ने का यूज़ करती हैं, ठीक है, या एंटी सीजर मेडिसन, ठीक है, सीजर को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए अब हम देखेंगे कि डायग्नोसिस का किस प्रकार करेंगे। तो याद रखिएगा पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग, ठीक है, यहाँ पे हम ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है चेक करेंगे, किसकी सहायता से, पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो है स्कैन बिफोर अ बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले जो है प्रेग्नेंट जो हमारी महिलाएँ होती हैं, ठीक है, उनका हम अल्ट्रासाउंड द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे के थ्रू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम क्या देखते हैं, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राम में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर जगह पर लोकेट है कि नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग इकोकार्डियोग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्डियक कैथराइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दो विधियों द्वारा करते हैं हम लोग, याद रखिएगा पहला मेडिसिन के द्वारा, दूसरा सर्जरी के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिसिन से देखते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो नामक दवा होती है ये क्या करते हैं, हमारे जो डक्टस आर्टियोसस होता है ना उसको खुला रखने में मदद करता है। डक्टस आर्टियोसस क्या होता है, ये एक प्रकार की जो है आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है जो दो प्रमुख धमनियों, ठीक है, दो प्रमुख जो आर्टरी हैं आपकी, एक एओर्टा और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इन दोनों को जो है जोड़ने का काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टियोसस कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सर्जरी के द्वारा, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 हफ्ते की या उससे कम है तब वहाँ पे जो हम सर्जरी करते हैं, याद रखिएगा ब्लालॉक टॉर्जिंग संट के द्वारा करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी एओर्टा है, ठीक है, जो आपकी एओर्टा है उस एओर्टा की राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये आप देख रहे हैं फिगर में, मैं इसको थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूँ, ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, इस राइट सबक्लेवियन आर्टरी को हमने राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी कैसी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी से आप अटैच कर दो, क्या कर दिया, अटैच कर दिया, तो एक बाईपास बन जाता है, ठीक है। इस बाईपास को ही हम क्या कहते हैं, ब्लालॉक टॉर्जिंग संट कहते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यह है कि एओर्टा में आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वो आपके सीधे लंग में इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इंटर में जो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उस कंडीशन में जब बढ़ेगा तो जो साइनोसिस की कंडीशन होती थी, जो बच्चा हमारा नीला था, वो धीरे धीरे उसका जो कलर है वो समान होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लालॉक टॉर्जिंग संट। नेक्स्ट हमारा
यदि बच्चे की उम्र 4 से 6 महीने के बीच में होती है तो हम क्या करेंगे, ग्लैंड प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड प्रोसीजर को समझिए यहाँ क्या होता है। देखिए ये हमारी क्या है, आपको फिगर में मालूम होना चाहिए, ये हमारी होती है सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाला क्या होता है, ये इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा। अब यहाँ पे जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो डायरेक्ट क्या है, आपका अटैच रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सुपीरियर वेना कावा को हम काट देंगे, कट कर देंगे, और उसका जो संबंध है वो राइट आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे हम इसको फिक्स कर देते हैं। देखिए फिगर में, इससे हमने उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके अपर साइड जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपरी हिस्से से जो भी ब्लड आएगा वो सीधे कहाँ पर चला जाएगा, लंग में चला जाएगा, और ऐसा होने से क्या हो जाएगा, जो आपका राइट वेंट्रिकल है क्योंकि वो कैसा है, कमज़ोर है, अनडेवलप है, तो उसको जो है पंप करना, अब जो वहाँ पर पंप करेगा तो वो जो है पंप करने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है यहाँ पर ग्लैंड प्रोसीजर में। और याद रखिएगा जब हम ग्लैंड प्रोसीजर का यूज़ करते हैं तो बीटी सेंट का, जो बीटी सेंट था हमारा, उसको हम हटा देते हैं। याद करिएगा, याद रखिएगा दोनों जो है प्रोसीजर एक साथ कभी नहीं होगा। यदि बीटी सेंट लगा हुआ है, ठीक है, और ग्लैंड प्रोसीजर आप कर रहे हैं, तो ग्लैंड प्रोसीजर करते समय जो है बीटी सेंट को जो है वहाँ से रिमूव कर दीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, यदि बच्चे की उम्र 1.5 साल से 3 साल के बीच में है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ग्लैंड प्रोसीजर में कि वहाँ पे हमने क्या कट कर दिया था, आपकी सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब हम इस प्रोसीजर में क्या कट करेंगे, याद रखिएगा इन्फीरियर वेना कावा। क्या काटेंगे हम, इन्फीरियर वेना कावा कट करेंगे। ठीक, कट दिया। अब जो हमारे लोअर ऑर्गन्स हैं, हमारे जो बॉडी के जो लोअर ऑर्गन, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए इन्फीरियर वेना कावा जो है वो लोअर बॉडी ऑर्गन से बॉड आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, अब कलेक्ट करके ये कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, तो ये सीधे जो है अब हार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हम लोग पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करना है, राइट पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करना है। किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे आप, एक यहाँ पे ट्यूब होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हो ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, कॉन्डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्डाइट। ट्यूब के थ्रू जो है हम लोग राइट पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे लंग में पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए मैंने इसका एक रीज़न बताया था। एक सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है अनडेवलप है या वहाँ पे वो एब्सेंट है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो वेंट्रिकल्स हैं, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल है वो कैसा है, आपका अनडेवलप है, पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो भी ब्लड लोअर ऑर्गन से जो कलेक्ट करेंगे वो सीधे हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो है ऑक्सीजनेशन होगा वहाँ पे उसका। याद रखिएगा जहाँ पे ये जो ट्यूब होती है और जो राइट ऑरिकल होता है हमारा, जहाँ ये टच करते हैं वहाँ पर हम एक क्या करते थे, एक छेद बना देते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये जो छेद है, ठीक है, इस छेद को हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, छेद को फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। ये क्यों करते हैं, ये हम इसीलिए करते हैं कि जो ब्लड है हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ब्लड हमारे लंग्स में पहुँच रहा है। ठीक है, तो लंग्स जो है अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सके, ठीक है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ब्लड जो है हम लोग छोड़ देते हैं कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। ठीक है, कि हमारे लंग को जो है कोई दिक्कत ना हो उस कंडीशन में। आशा करता हूँ कि टॉपिक को समझ आ गया होगा या आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हों या इस टॉपिक से संबंधित उनको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।